नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा निरंतर एक प्रयास है कि मेरे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, घास फूस हैं, फूल है, फल है और जो खाद्य पदार्थ जो हम हमारी रसोई घर में यूज करते हैं उनका उपयोग औषधियों के रूप में करें। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे गुलाब के फूल के ऊपर। गुलाब का एक ऐसा चमत्कारी फूल है जो कुदरत ने हमारे आसपास दिया है। हमारे बगीचों में आसपास बहुत मात्रा में गुलाब पाया जाता है। गुलाब के बहुत ही अच्छे औषधीय गुण होते हैं। गुलाब से एक रसायन तैयार होता है जिसको हम गुलकंद बोलते हैं। गुलकंद का उपयोग इंसानों पे और पशुओं पे दोनों पे किया जा सकता है। गुलकंद के काफ़ी फायदे हैं। सबसे पहले तो इंसानों पे गुलकंद के क्या क्या फायदे हैं आपको मैं वो बताता हूँ। हमारे को एक समस्या हो जाती है कब्ज की। कब्ज की एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को हो जाती है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में कब्ज होना एक स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है। कब्ज के लिए गुलकंद एक सर्वोत्तम औषधि है जिसका उपयोग करने से कब्ज खत्म हो जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रात को सोते समय एक चम्मच गुलकंद का खाके ऊपर से दूध पी लो आप, आपका पेट बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ होगा। दूसरी, हमारी माता और बहनों को पीरियड के समय बड़ी तकलीफ होती है, उसमें भी गुलकंद बड़ा काम आता है। एक एक चम्मच गुलकंद की दिन में 2 या 3 बार हमारी माता बहनें खाती हैं तो उनको काफ़ी आराम मिलेगा। उनके शरीर के अंदर जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी माताओं बहनों में लिकोरिया जिसको हम सफ़ेद पानी भी बोल देते हैं उसके लिए भी गुलकंद काफ़ी अच्छी औषधि है। लेकिन आपको गुलकंद अपने हाथ से बनाना पड़ेगा तब जाके वो गुलकंद हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव दिखाएगा। और गुलकंद कैसे बनाना है, गुलकंद किस चीज़ का बनाना है, गुलकंद देसी गुलाब का आपको बनाना चाहिए। देसी गुलाब में और विदेशी गुलाबों में बड़ा फर्क होता है। देसी गुलाब का अगर हम गुलकंद बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाता है। दूसरा, अब हम इसे अपने पशुओं पे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। पशुओं को ब्याने के बाद, डिलीवरी के बाद हमें पशुओं को गुलकंद जरूर खिलाना चाहिए। गुलकंद खिलाने से पशुओं का छटाव अच्छा होता है, पशुओं का दूध बढ़ता है, पशुओं के शरीर में गर्मी नहीं रहती। तो पशुओं को गुलकंद कैसे खिलाना चाहिए, 200-200 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हम अपने पशुओं को गुलकंद खिला सकते हैं। इसके अलावा गुलकंद हमारे पशुओं के शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं करता। गुलकंद की तासीर ठंडी होती है। अब मैं आपको गुलकंद को बनाने का तरीका बताता हूँ। गुलकंद बनाने के लिए कोई खास कुछ नहीं करना आपको। आज का कोई भी जार ले लीजिए, उस जार के अंदर आप गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए। गुलाब की पत्ती ताज़ा होनी चाहिए। जैसे कि आप सपोज कर लो हमारे पास 250 ग्राम गुलाब की पत्ती है तो उसके ऊपर आधा किलो मिश्री डाल दो और उसको उठा के धूप में धर दो। 10 दिन के अंदर अंदर गुलकंद अपने आप तैयार हो जाएगा। वो गुलकंद हमें यूज करना चाहिए अपने ऊपर। हमारे ऊपर जो हमारे को कब्ज की शिकायत है या माता बहनों को शिकायत है उसके ऊपर। पशु के लिए अगर हम इतना गुलकंद नहीं बना सकते तो पशु के लिए गुलकंद हमें बाजार से ले लेना चाहिए। पंसारी की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे गुलकंद बड़ी आसानी से मिल जाता है। गुलकंद हमें हमारे पशुओं पे जरूर उपयोग करना चाहिए और अपने आप पे भी उपयोग करना चाहिए। इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा आपको मेरे बताए हुए ये छोटे छोटे फार्मूले अगर अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास और भी किसानों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।